जो है नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर समझिए कि ये क्या है, आपका क्रस्ट है यानी भू सतह है, समझ पा रहे हैं। ये वाले जो भाग हुआ ये आपका इंटरनल पार्ट ऑफ क्रस्ट, और ये वाले जो भाग हुआ ये वाले भाग ये आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ क्रस्ट, या फिर आप कह सकते हैं अर्थ भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अर्थ एंड इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के बाहरी भाग और पृथ्वी के आंतरिक भाग, समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ समझेंगे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया 100 बात की एक बात में आपको सिर्फ कंसेप्ट कैसे याद रखना है। मैंने आपको बताया कि ये जो आप अपने क्रस्ट के ऊपर जो पहाड़ और पर्वत के रूप में देख पा रहे हैं, है ना, इसका नाम मैंने क्या दिया, आग्नेय चट्टान नाम दिया, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बोले तो इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। और इसी इग्नियस रॉक से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री का। अब कैसे होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनने का कुछ कारण है, कुछ रीजंस है, कुछ सोर्सेज है, जैसे आपका विंड, उसके बाद वाटर सोर्स, यानी विंड के माध्यम से आपका इग्नियस सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन हो सकता है, वाटर सोर्सेज के माध्यम से इग्नियस सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन हो सकता है। इनके अलावा आपका, जिसे आपका कह सकते हैं कि आपका जैसे लैंडस्लाइडिंग है, कि पहाड़ जो है अचानक क्या हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुआ, भूस्खलन हुआ और वो नीचे स्लाइड कर गया, है ना, तो ये भी एक कारण है। तो अब समझते हैं कि जैसे आपने इग्नियस रॉक है ना, इग्नियस रॉक है, जैसे अब कोई मान लीजिए ये पहाड़ है, और पहाड़ से आप जानते हैं कि पहाड़ में जो है झरना निकलती है, पहाड़ से है ना झरना निकलती है, और ये झरना से क्या होगा, पानी निकलेगा, है ना, बोले तो इसको क्या बोला जाता है, वाटरफॉल बोला जाता है ना, यानी झरना, समझ पा रहे हैं, वाटरफॉल। तो ये जो झरना है, अलग अलग जगह, जैसे आपको दशम फॉल मिल जाएगा, मोती झरना मिल जाएगा, अलग अलग जगह में आपको मिल जाएगा इस तरह से झरना, पहाड़ों के जो गोद से है वहां से पानी निकलते रहता है, समझ पा रहे हैं। तो अब ये बात समझिए कि ये जो आपका झरना है या फिर बारिश की बूंदे होता है, यानी बारिश होती है तेज मूसलाधार बारिश, तो बारिश का पानी आपका पहाड़ के ऊपर पड़ता है और यहाँ से धीरे धीरे फिर रिस कर नीचे जो है चला आता है पानी। तो देखिएगा कि जहां से भी आपका पहाड़ पर्वत है तो उनके आसपास कहीं ना कहीं आपको रिवर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको पॉन्ड मिल जाएगा, है ना, या फिर आपको डैम मिल जाएगा अपने आसपास में, पहाड़ों के आसपास अक्सर मिल जाएगा आपको, चाहे वो तालाब हो या फिर रिवर हो या फिर आपका बड़े डैम स्वरूप हो, तो पहाड़ों के आसपास अक्सर इस तरह के नज़ारे देखने को मिल जाता है। तो मैंने एक बात बताया कि चाहे बारिश की बूंदे पड़े या फिर झरना का पानी, तो अब क्या है कि पहाड़ों में मौजूद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आपको मिलता होगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री हम कह सकते हैं कि जैसे आपका सैंड हुआ, बालू, है ना, सैंड जो आपका बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, यानी आपका जो बालू होता है जो हम घरों को, है ना, बिल्डिंग का छत ढलाई में प्रयोग करते हैं, ईंट का गथनी के प्रयोग में करते हैं, है ना, तो ये सैंड का हम प्रयोग करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन के रूप में। तो ये सैंड कहाँ से आता है, आपको पता होगा कि ये सैंड जो है कहीं ना कहीं रिवर के बेसिन से ही उनको निकाला जाता है और किसी सूखे स्थान में रखा जाता है, फिर वहां से विभिन्न परिवहन के माध्यम से, यानी गाड़ी, है ना, व्हीकल के माध्यम से अलग जगह में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आपका इन बालू कहाँ, रिवर के जो बेसिन्स पे आता है, तो कहीं ना कहीं वाटर सोर्स के माध्यम से आता है, पहाड़ों के गोद से, है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धीरे धीरे सरकते जाता है वाटर सोर्स के माध्यम से, पानी के तेज बहाव के माध्यम से, पानी के तेज बहाव के कारण, तो यहाँ से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है ना। मान लीजिए पहाड़ का ऊंचा क्षेत्र है, ये हमेशा इसके ऊपर जैसे ही आपका पानी की बूंदे पड़ेगा तो ये हमेशा नीचे जाने की और कोशिश करेगा, है ना,
तो उसी तरह पानी सोर्स वाटर सोर्सेस के माध्यम से यहाँ से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धीरे धीरे सरकते जाता है और नीचे आते आते जाता है। और रिवर यानी कोई नदी है तो नदी के तल में यानी पानी के नीचे धीरे धीरे बैठते जाता है, धीरे धीरे एक के ऊपर एक बैठते जाता है। तो चाहे रिवर की बात हो या फिर जैसे आपका बहुत बड़ा एक डैम है पथरातू डैम, पथरातू डैम सुने होंगे अपने पास में, पथरातू डैम के पास एक बहुत बड़ी आपको कई एक पहाड़ मिल जाएगा और उनके गोद में बसा हुआ एक डैम है आपका पथरातू डैम। तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल के रूप में डैम कह सकते हैं या पॉन्ड कह सकते हैं, बड़ा तालाब स्वरूप है ना। तो आपका ये तो है वाटर सोर्स के माध्यम से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नीचे आ जाना है ना, वाटर वाटर के बेसिन्स पे। बेसिन्स कहने का मतलब तल, रिवर के बेसिन्स हो, पॉन्ड के बेसिन्स हो या डैम के बेसिन्स हो है ना। तो एक तरह से वाटर सोर्सेस के माध्यम से हो गया। दूसरा है विंड यानी हवाओं के माध्यम से हो सकता है। अगर तेज हवाएं बहती है या साइक्लोन वगैरह आ जाता है तो क्या होता है कि धूल कण को साथ में लेकर उड़ के है ना, फिर क्या होगा वो धूल कण तो आसमान में जम के नहीं रह जाएगा, वो फिर कहीं ना कहीं नीचे आएगा है ना। तो उसी तरह से है विंड के माध्यम से भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डस्ट वगैरह जो है वो विंड के माध्यम से फिर नीचे आता है और कहीं ना कहीं आपका किसी करस्ट के ऊपर भाग में या किसी रिवर के बेसिन्स पे या फिर डैम के बेसिन्स पे या पॉन्ड के बेसिन्स पे जाके धीरे धीरे जमा होता है। और धीरे धीरे जमा होता है तो आप एक बैंकिंग टर्म में जानते हैं, बैंकिंग टर्म में आपको जानते हैं कि जमा को इंग्लिश में कहा जाता है डिपोजिट, डिपोजिट है ना। जमा जो है हिंदी शब्द है लेकिन उसे हम बैंकिंग टर्म में बोलते हैं कि चलो भाई पैसा जमा करना है बैंक में, बोले तो डिपोजिट करना है। चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट रीड कर लेता हूँ फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। सर सर जो हम लोग पहाड़ को देखते हैं वो कौन से रॉक से बने होते हैं, भाई कंफ्यूज नहीं होना है। एक शब्दों में मैंने आप लोग बताया कि 100 बात की एक बात में समझना है कि अपने आसपास में जो भी पहाड़ और पर्वत देख पा रहे हैं, इस तरह से जो भी पहाड़ और पर्वत आप देख पा रहे हैं वो आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। मैं आप जो फिगर से भी समझ सकते हैं मैंने क्या बात किया, क्रस्ट के ऊपर या फिर क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में भी आपको जो है चट्टान वगैरह देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जिन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ वो है आपका इग्नियस रॉक, इसलिए इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, यानी आपको आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि रिवर के बेसिन पे कोई अगर कंकड़ पत्थर रहेगा, पॉन्ड के बेसिन्स पे कोई कंकड़ पत्थर आपको मिलेगा या फिर डैम के बेसिन्स पे कोई कंकड़ पत्थर मिलेगा, जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया सैंड यानी बालू जो कि बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में उनका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो ये यही है आपका सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री का ही आपका एग्जाम्पल है जो कि इग्नियस रॉक यानी आपका पहाड़ों से, जो मैंने इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल लिया पहाड़ पर्वत, तो इनसे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर टूट फूट कर है ना रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन होकर किसी जगह में या फिर किसी निचले स्थान में डैम के बेसिन्स पे, पॉन्ड के बेसिन्स पे या रिवर के बेसिन्स पे वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर नीचे आएगा और वो धीरे धीरे जमा होगा, एक के ऊपर जमा होगा यानी डिपोजिट होगा इसी अरे है ना, यानी धीरे धीरे एक जमा होगा डिपोजिट होगा और एक सेट बनाएगा, समझ पा रहे हैं। सेट कहने का मतलब किसी जगह में किसी प्लेस पर आके जमा हो जाना है ना। तो जब जमा हो जाएगा तो एक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ह्यूज अमाउंट में जमा हो जाएगा, बड़े आकार में जमा हो जाएगा, बड़ी मात्रा में जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेट को हम सेडिमेंट्री सेट या सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे, समझ पा रहे हैं, सेडिमेंट्री सेट या सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया कि आखिर सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन क्या होगा, आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग जो है यस टाइप कीजिए कि सर समझ लिए है ना, फिर मैं जो है सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा है ना। चलिए आप लोग समझ गए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए फिर मैं सेशन को लेकर आगे बढ़ूंगा। यस सर, वेरी गुड है ना। तो आपका जैसे मैंने बताया सैंड हुआ, सैंड के अलावा सेल्स होता है, ये भी आपका जो है एक रॉक्स का एग्जांपल है। इसके अलावा लाइमस्टोन है, ये भी आपका जो है सेडिमेंट्री का एग्जांपल है, सैंडस्टोन हुआ है ना। तो ये जो सैंड है
आपका सैंड से आपको ज्यादा समझ में आएगा, जैसे मैंने हिंदी में बताया बालू, समझ पा रहे हैं? चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट रीड कर लेता हूँ। यस ओके वेरी गुड। तो आपका सैंड जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री को समझने के लिए, समझ पा रहे हैं? किसी भी प्रकार के आपका जो आसपास में जो है ना, अब जो है सैंड में भी क्या होता है कि कलर उनका डिफरेंट होता है। जैसे आप रिवर के बेसिन्स पे जो सैंड पाया जाता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है, समझ पा रहे हैं? लेकिन लेकिन आपका जो आपका डैम वगैरह, सॉरी जो आपका जो पहाड़ों के आसपास में जो डैम वगैरह होता है और उनसे जो आपका आता है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से रेड टाइप का कलर का मिलेगा, है ना? जो हम बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, जो ईंट का गथनी का प्रयोग में करते हैं, छत ढलाई में उनका प्रयोग करते हैं, तो सैंड का जो है कलर डिफरेंट हो सकता है, उनका टाइप डिफरेंट हो सकता है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है सेडिमेंटरी रॉक्स को समझने के लिए। और भी है म्यूड स्टोन्स वगैरह है, वो आगे पढ़ेंगे हम मेटामॉर्फिक के बारे में जब समझेंगे तो हम ज्यादा और समझेंगे उसके बारे में, है ना? तो जैसे आपने जाना कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बना और सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बनता है, समझ पा रहे हैं? सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बनता है, कैसे बनता है समझ लिए। थोड़ा सा मेटामॉर्फिक के बारे में चर्चा कर देता हूँ, फिर आगे के क्लास में जब समझेंगे तो समझेंगे। जैसे इग्नियस रॉक से बना सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री से फिर अधिक ये थर्ड प्लेस पे अगर प्लेस होता है आके, थर्ड प्लेस पर अगर रिप्लेस होता है तो यहाँ पर जो डिपोजिट्स होगा यहाँ से आकर, तो इस वाले सेट को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे, समझ पा रहे हैं? इग्नियस से बना सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री से बनेगा मेटामॉर्फिक, लेकिन ये हम आगे समझेंगे। लेकिन आपको कंसेप्ट याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये पहाड़ पर्वत है, या विंड के माध्यम से हो, लैंडस्लाइडिंग के माध्यम से हो, या आपका वाटर सोर्सेज के माध्यम से हो, यहाँ से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निचले स्थान पे आकर जमा होगा, रिवर के बेसिन्स पे, डैम के बेसिन्स पे, पॉन्ड के बेसिन्स पे, और धीरे धीरे जमा होते होते एक बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाएगा और एक तरह से एक सेट का निर्माण होगा जिसे हम सेडिमेंट्री सेट या सेडिमेंट्री रॉक बोले तो अबसादी सैल कहेंगे, समझ पा रहे हैं? अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो जैसे कि आपने देखा कि फर्स्ट में आपका आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ और सेडिमेंट्री आपका जो फॉर्मेशन हुआ वो आपका सेकेंड स्टेप पे हुआ। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि है ना, आपको मैं चार ऑप्शन दे देता हूं, है ना, कि सेकेंडरी रॉक कौन सा है। आपको मैं चार ऑप्शन देता हूँ, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और नन ऑफ दीज। आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछा कि है ना सेकेंडरी रॉक, व्हाट इज द सेकेंडरी रॉक, है ना, या फिर सेकेंडरी रॉक इनमें से कौन सा है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट में पुट कीजिए, सेडिमेंट्री। बाकी लोग जल्दी 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 बताइए, बाकी लोग भी, यस सेडिमेंट्री रॉक, है ना। आपको मैं ट्रिक्स के रूप में भी बताया था कि आपका ये आपका इग्नियस रॉक को जो है प्राइमरी रॉक कहा जाता है, और आई अगर आई में आदि एस टी लगा देते हैं तो फर्स्ट बन जाता है, और फर्स्ट मींस प्राइमरी मतलब प्राथमिक। तो इग्नियस का आई और आई मींस फर्स्ट और फर्स्ट मींस प्राइमरी, इसका मतलब प्राइमरी रॉक इज ऑल्सो नोन एज इग्नियस रॉक। उसी तरह मैं आपको बताया था ट्रिक के रूप में कि सेडिमेंट्री का एस और एस फोर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, क्योंकि आपका एस सेडिमेंट्री का एस या फिर सेकेंडरी का एस दोनों आपस में क्या होता है, मिलता जुलता है, इग्नियस से ना ही मिलेगा ना ही मेटामॉर्फिक से। तो आपको सेडिमेंट्री का एस याद रखना है, सेकेंडरी का एस याद रखना है, तो सेडिमेंट्री रॉक इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक, है ना। चलिए क्या आप लोगों, है ना, तो चलिए यहां मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, है ना। आपको टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक को या फिर कह सकते हैं कि थ्री प्रोसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो एक क्लास्टिक प्रोसेस है, दूसरा है केमिकल प्रोसेस, तीसरा है ऑर्गेनिक प्रोसेस। इनके कुछ एग्जांपल्स है जैसे क्लास्टिक प्रोसेस के, जैसे ब्रेसिया हुआ, सेल हुआ, सैंडस्टोन हुआ, सिल्टी स्टोन हुआ, और एक हुआ केमिकल प्रोसेस चर्ट, डोलोमाइट और ब्लैक सॉल्ट। वहीं ऑर्गेनिक प्रोसेस के माध्यम से चॉक, कोल, डाइटोमाइट्स और लाइमस्टोन जैसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे मैंने बताया
जैसे सैंडस्टोन्स क्या है कि इग्नियस रॉक से पहाड़ और पर्वत से निचले स्थान में आके जमा हो गया, तो आपको ये सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे मैंने सैंड का एग्जाम्पल लिया, तो इसी को बोलते हैं क्लास्टिक, मतलब तलछटी, मतलब कि बेसिन्स पे आके छट के आके जमा हो जाना, समझ पा रहे हैं? तो क्लास्टिक प्रोसेस यही है आपका, किसी ऊंचले स्थान से आके निचले स्थान पे जमा हो जाना। केमिकल प्रोसेस एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है ना, एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, केमिकल प्रोसेस के माध्यम से चट और डोलोमाइट और ब्लैक सॉल्ट जैसी चीजों का निर्माण होता है। वहीं अगर ऑर्गेनिक प्रोसेस के बारे में बात करें, जैसे चौक हो गया, कोल हो गया, कोल के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि आपको जो है ये पैलेंटोलॉजी में स्टडी होता है, और कोल का जो आपको मैं बताऊंगा पैलेंटोलॉजी ब्रांच में कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपका जो जीवाश्म का एग्जाम्पल है, बोले तो एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स है ना। उसके बाद है डाइटोमाइट्स, लाइमस्टोन, ये सारे के सारे आपका ऑर्गेनिक प्रोसेस के माध्यम से, यानी आपका कार्बनिक तरीके से, कार्बनिक प्रक्रिया द्वारा, कार्बनिक विधि द्वारा इन सारी चीजों का जो है फॉर्मेशन होता है। अब आपको एग्जाम में सवाल किस तरह से रह सकता है, आपको मान लीजिए आपका प्रीवियस सेशन में तो दिया नहीं, लेकिन आपको एमसीक्यू बेस्ड अगर रहेगा तो सवाल जो है घुमा के भी कहीं से भी पूछ सकता है। आपको बोल देगा ब्रेसिया, ब्रेसिया बोल देगा कि बोले ब्रेसिया किन का एग्जाम्पल है, तो क्लास्टिक प्रोसेस का है, यानी क्लास्टिक रॉक्स का है ना। आपको बोल देगा, जैसे आप ये मत भूलिए, आप इस तरह से बहुत सारे वर्ड ऐसा है जो कि हिंदी में भी वही चीज लिख देता है, क्लास्टिक ऐसे करके लिख देता है, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्लास्टिक, क्लास्टिक हिंदी में ही क्लास्टिक लिख देता है ना। इसके बाद केमिकल बोले तो रासायनिक प्रक्रिया का द्वारा, बोले कि डोलोमाइट जो है किन का एग्जाम्पल है, तो आपका सेडिमेंटरी रॉक के अंदर केमिकल प्रोसेस के तहत आपका जो है इनका फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक प्रोसेस का, सेडिमेंटरी के अंदर ऑर्गेनिक प्रोसेस का एग्जाम्पल बताइए, तो कोल हो गया, चौक हो गया, या डाइटोमाइट्स हो गया, या लाइमस्टोन हो गया, तो इस तरह से आपका एमसीक्यू पूछ सकता है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपको कंसेप्ट में याद रखना है ना। आगे के सेशन में हम पढ़ेंगे कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपका कुछ ग्रेनाइट्स वगैरह है ना। आगे आपका मेटामॉर्फिक पढ़ेंगे, इसके बाद आपका जो है टाइप्स जो है क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका पढ़ेंगे ग्रेनाइट के बारे में, जो शॉर्ट नोट्स के बारे में अक्सर पूछता है एग्जाम में। तो आपका साथ साथ में एमसीक्यू के साथ साथ आपका एमसीक्यू, जैसे ब्रांच खत्म होगा तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आपका जो है क्या होगा कि इस तरह पढ़ने से, आपका सब्जेक्टिव पढ़ने से आपका एनुअल एग्जाम और जो हाफ ईयरली का एग्जाम होना है दोनों आपका कवर कर जाएगा। इसलिए आपको टेंशन ले लेना, बेफिक्र होकर पढ़िए, जो आप यहाँ पर पढ़ते हैं कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, और जो आपको नोट्स मिलता है उनको रीडिंग मारिए, आपका एग्जाम में जो है अच्छा नंबर आएगा, है ना, दिक्कत नहीं होगा। बाकी पेपर भी आप पढ़िए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जियोलॉजी आप अच्छे से पढ़िए, बाकी पेपर भी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपको मोर मार्क्स प्राप्त करना है, समझ पा रहे हैं? और जो भी पढ़िए जियोलॉजी में जिस पॉइंट में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए, है ना। तो यही है आपका कुछ। आगे हम आपका जो जानते हैं कि क्लास जो है MWF चलता है, लेकिन हम बहुत जल्द जो है रेगुलर क्लास करने वाले हैं, आप लोग का डेली क्लास होगा, वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। ठीक है, क्लास आप लोग का MWF, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो उनको भी पता होना चाहिए, अब पता लग गया होगा कि क्लास कब कब चलता है MWF, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आपको मिल जाएगा हिंदी नोट्स भी मिल जाएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए।